हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th नीट बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के टॉपिक फ्लैटी हेलमिंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस कैसे बनेगी। ये सारे सेशन आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट के चैनल पर, जहां कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ई बुक्स और एमसीक्यू बुकलेट्स, तो आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, और जिसमें आपको कंटेंट मिलेगा बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट। और आप सारी प्रिपरेशन जो मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू करते हैं वो आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ। आइए इसी अच्छी बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फ्लैटी हेलमिंट्स के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज दी नीट कोर्स मॉड्यूल। हमारा नीट कोर्स मॉड्यूल क्या है? सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पे, फिर हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर। ये पीडीएफ आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहां पर एक लिंक है, उसे क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो ऑल्सो, जैसे कि आज का ये सेशन। ऑल्सो वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जहां पर मैं साइंटिस्ट उनके ईयर किस ईयर में उन्होंने काम किया और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए देती हूँ। Then we have previous year question videos, doubt solving, आप अपना doubt भेजिए, फटाफट से उसका answer ले लीजिए। Also we have weekly test paper जो आप बहुत जल्दी solve करने वाले हैं, and guidance session are the most important session, जहां पर आपको पता चलता है paper pattern कैसा होगा, stress management कैसे करें, official notification related to examination, सारी चीजें आपको मिलती हैं। We also have chapter wise one shot revision and the online test series. Apart from this we also have NCERT highlight session, जहां पर हम NCERT की summary को हर chapter के लिए लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। चलिए तो नीट कोर्स मॉड्यूल हो गया होगा, सबको ट्रांसपेरेंटली क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन प्लेनेरिया इज, प्लेनेरिया के अंदर किस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है? तो नर्वस सिस्टम आपको याद हो तो मैंने आपको ड्रॉ करके अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि नर्वस सिस्टम हमारे प्लैटी हेलमिंट्स या प्लेनेरिया में कैसा होता है, जहां पर इनके पास होता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जहां पर कुछ इस तरीके से ब्रेन प्रेजेंट होगा, ऐसे नर्व फाइबर से कनेक्टेड, एंड देन यही नर्व फाइबर से कनेक्टेड दो जो है लेटरल नर्व कॉर्ड्स जाती हैं, दो इस तरीके से लेटरल नर्व कॉर्ड जाती हैं, रादर ये थोड़ा ऐसा कुछ दिखता है ऐसा, ठीक है, और फिर यहां से ये नर्व कॉर्ड अराइज होती है इस तरीके से दो, ठीक है, और ये जो नर्व कॉर्ड है ये भी आपस में कुछ ट्रांसवर्स नर्व से कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं लैडर, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, लेट मी शो यू, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, और यहां पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं लेटरल, लेटरल नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड, और ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये छोटे वाले जो फाइबर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व, ट्रांसवर्स नर्व, ठीक है, और ऐसे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ऑप्शंस देखिए, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम That is correct. Primitive यानी पुराना नहीं होगा, transverse commissure connections नहीं हो सकते, commissure connections मतलब तो half of the brain को जो connect करे तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं, all of the above भी नहीं होगा। और ये जो question है ये है बहुत important question from the neat point of view, तो इसे definitely ध्यान रखिएगा। चलिए next question देखते हैं। Next question says which level of organization in Plateau helminths, Plateau helminths को एक तो हम flatworms भी कहते हैं,
वर्म्स भी कहते हैं। लेट्स रिकॉल, देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जितनी चीजें रिकॉल कर सकते हो उतनी चीजें जरूर रिकॉल करते जाना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम पीछे का रिवाइज करते जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्रिपरेशन होगी। आगे का पढ़ने के चक्कर में हमें पीछे की चीजें को भूल नहीं जाना है, उनको साथ में लेकर चलना है, तो हम हर चीज को रिवाइज करते चलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटी हेलमेंट्स का क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे में वो बोल रहे हैं मे बी बी और सी। तो आपको क्या लगता है? देखो जो प्लैटी हेलमेंट्स होते हैं, प्लैटी हेलमेंट्स जो होते हैं उनके पास होता है ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश आर यूजुअली ऑफ इररेगुलर शेप व्हिच सेंड्स आउट सीरोपोडियल प्रोसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। तो इनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो इररेगुलर शेप का होता है और सीरोपोडियल प्रोसेसेस सेंड करता है आउटसाइड द बॉडी। ऑप्शन दिया है लैडर सेल्स, तो लैडर सेल्स तो नहीं होंगे, हम देख चुके हैं। फ्लेम सेल्स, जर्म सेल्स नहीं होंगे, हुक सेल्स नहीं होंगे। तो देखो जहां पर भी आपको प्लैटी हेलमेंट्स की बात पूछ ली जाए, प्लैटी हेलमेंट्स की बात पूछ ली जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है इनके बारे में वो है इनके फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो डेफिनेटली इरेगुलर शेप के होते हैं और एक सीरोपोडियल प्रोसेस भेजते हैं अपनी सराउंडिंग में फॉर परफॉर्मिंग द डिफेंस मैकेनिज्म, और यहीं से इनका एक्सक्रीशन भी होता है। फ्लेम सेल्स इनमें बहुत सारा काम करते हैं। तो फ्लेम सेल्स का जो है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पेशल सेल्स इन प्लैटी हेलमेंट्स व्हिच हेल्प इन एक्सक्रीशन। स्पेशल सेल कौन से होते हैं भाई जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि फ्लेम सेल्स ही होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस पॉइंट को नीट लिख करके रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपनी व्हाइट कोट की जर्नी चाहिए, अगर अपने आप को डॉक्टर बना देखना चाहते हो, तो ये जो नीट वाले पॉइंट्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सो प्लैटी हेलमेंट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो फ्लेम सेल्स हैं, जो इनमें एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो ऑप्शंस देखिए, ओरल सकर्स नहीं होंगे, वेंट्रल सकर्स नहीं, एक्सक्रीटरी पोर नहीं, फ्लेम सेल्स है जो स्पेशल है, बाकी सब तो स्पेशल नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज लिवर रॉट इज कॉज्ड बाय लिवर रॉट। अब देखो यहां पर बात क्या है, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा हमारा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना अच्छा हमें नए कंसेप्ट्स लर्न रहेंगे। तो लिवर रॉट जो है ये एक तरीके की डिसीज होती है, ये एक डिसीज होती है जो किसमें पाई जाती है? शीप में और कैटल्स में भी हो जाती है, शीप और कैटल्स में पाई जाती है। जहां पर इस डिसीज में एक्चुअली उनको पता है क्या होता है, मतलब वो बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक, और उनको टेम्परेचर भी इनका इंक्रीज हो सकता है बॉडी का, और डिसकम्फर्ट होगा, और बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जैसा कि इसका नाम बोलता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिवर अफेक्ट हो जाता है, लिवर अफेक्ट हो जाता है इनका। तो देखो ये लिवर रॉट नाम की डिसीज होती किससे है? पहला ऑप्शन टीनिया सोलियम से नहीं होती। दूसरा ऑप्शन इकाइनोकॉकस से भी नहीं होती। थर्ड ऑप्शन से फैसिकोला, बिल्कुल सही है, फैसिकोला से ये डिसीज होती है। और दूसरा ऑप्शन है ड्यूगेसिया, जिससे ये नहीं होती। सो लिवर वर्ट एक ऐसी डिसीज जो शीप में और कैटल में हुई, जिसमें डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, टेम्परेचर यानी कि फीवर आ जाएगा और लिवर इफेक्ट होगा। ये डिसीज कौन करवाता है? ये करवाता है हमारा फेसियोला, ठीक है, ये कराता है फेसियोला, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये वही है एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, फेसियोला। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो भाई ये जो हमारा एकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसा है, इस एकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसा के टू नेम्स होते हैं, एकाइनोकॉकस ग्रैन्यूलोसा, इसके दो नाम होते हैं, दोनों नाम से हम इसे जानते हैं। पहला जो कि कहलाता है डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। दूसरा कहलाता है हाइडेटेड टेपवर्म, दोनों नाम इसी के हैं, हाइडेटेड टेपवर्म। ऑलराइट,
राइट सो सही है दोनों ये ऑप्शंस। देखिए डॉग टेपवर्म सही है, हाइड्रेटेड टेपवर्म सही है, लार्जेस्ट टेपवर्म ये नहीं कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट तो देखो अगेन देर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल, जिससे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस होगी, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको फाइंड करना है भाई कोई करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है रीजनरेशन इज कॉमन इन टर्बल एरिया, बिल्कुल सही है, रीजनरेशन का प्रोसेस देखा जाता है टर्बल एरिया में, तो रीजनरेशन वाला पॉइंट सही है। सेस्टोडा बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल बट डिवॉइड ऑफ सीलिया, सीलिया नहीं होते लेकिन क्यूटिकल होता है, बिल्कुल सही है ये दोनों स्टेटमेंट। तीसरा ट्रेमेटोडा बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड इज कवर्ड विद क्यूटिकल एंड बियर्स वन और मोर सकर्स, और सकर्स भी होते हैं, तो सकर्स जो है वो या तो इनको फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करेंगे या फिर बॉडी वॉल से अटैच होने में, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, इन दोनों चीजों में सकर्स हेल्प करते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच फ्लैट वर्म पजेस हुक्स एंड सकर्स इन द बॉडी, कौन से फ्लैट वर्म में हुक्स भी होते हैं एज वेल एज सकर्स भी होते हैं। पहला फ्लैटवर्म्स व्हिच हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, तो आपको पता है ये जो हुक्स है और ये जो सकर्स है ये किस काम आते हैं। हुक्स जो है ये तो भाई बेसिकली काम करता है अटैचमेंट का, अटैचमेंट का कैसे, मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है, अब यहाँ पर ये वर्म आकर रहने लगा, तो इस वर्म को जैसे जैसे आपका यहाँ से खाना जाया करेगा वैसे वैसे ये वर्म भी तो जा सकता था, तो ये भाई कहीं चला ना जाए इसलिए ये क्या करता है अपना हुक लगा के आपकी बॉडी से लटक जाता है, ठीक है ऐसे, तो इसीलिए इसके पास हुक्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, और सकर्स होते हैं जिससे ये जो भी आपने खाना खाया होता है ना डाइजेस्टेड, उस फूड को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर ले, तो सकर्स भी होते हैं जो इसे फूड अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो किस में रह रहा हो, देखो ये आपका इंटेस्टाइन है तो ये किस में रह रहा है, ये रह रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यानी ये बेसिकली इस कहानी में क्या बन गया, पैरासाइट बन गया, तो पैरासाइट के पास सकर्स और हुक्स दोनों होते हैं, हुक्स भी होते हैं सकर्स भी होते हैं, तो सही है। विच फ्लैटवर्म विच फ्लैटवर्म्स पजेस हुक्स एंड सकर्स इन द बॉडी, जो पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ स्पेंड करे, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फ्लैटवर्म्स विच आर सेप्रोफाइटिक, तो देखो डेडोडी के इन चीजों पे जो खाना खा रहे हैं उसको तो कोई जरूरत नहीं है ना, देखो हुक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, सकर तो चलो फिर भी हो सकता है, दोनों चीजें नहीं होगी तो ये ऑप्शन गलत। फ्लैटवर्म विच आर होलोजोइक, जो किसी चीज को पूरा का पूरा खा जाए तो उसको भी जरूरत नहीं होगी सकर्स की। सो फ्लैटवर्म्स विच आर कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ, जो केमिकल के थ्रू जिए तो फिर उनको हुक्स की जरूरत नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्लैटवर्म्स आर, फ्लैटवर्म्स को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन सीडोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट का मतलब जहां पर मीजोडर्म जो है वो पैचेस में प्रेजेंट हो, जैसे अगर ये हमारी एक्टोडर्म है, ये हमारी एक्टोडर्म है, तो एक पैच होगा जो मीजोडर्म का होगा और इसके अंदर होगी एंडोडर्म, अगर ऐसा है तो हम इसे बोलते हैं सीडोसीलोमेट, तो फ्लैटवर्म सीडोसीलोमेट नहीं होंगे। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट, अच्छा इस कहानी में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब थ्री लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल आर प्रेजेंट, कौन कौन सी, एक्टोडर्म मीजोडर्म, एक्टोडर्म मीजोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सही बात है तीनों प्रेजेंट है। दूसरा एसीलोमेट का क्या मतलब है, एसीलोमेट का मतलब है कि यही तीन लेयर एक्टो मीजो और एंडो, ये तीनों लेयर आपस में चिपकी हुई है, पहले ऐसे एक्टोडर्म फिर इसी के साथ में होगी बिल्कुल चिपकी हुई, इसी के साथ में होगी बिल्कुल इससे लगी हुई लेयर जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म, और फिर एक और लेयर इसके पास में होगी जो इससे चिपकी रहेगी, सॉरी एक और लेयर इसके पास में होगी जो इससे चिपकी रहेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एंडोडर्म। तो तीनों लेयर आपस में इसी तरीके से आपको चिपकी हुई दिखेंगी और कोई भी बॉडी कैविटी नहीं दिखेगी इनके बीच में, और बॉडी कैविटी नहीं है तो हम बोलेंगे ए सीलोमेट, ए यानी एबसेंट सीलोमेट, सीलोमेट यानी बॉडी कैविटी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फ्लैटवर्म्स कैसे होते हैं पे क्या जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए सीलोमेट, सीलोमेट नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक और ए सीलोमेट नहीं होते। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लैटीहेलमिंथ्स आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स बिकॉज दे पजेस, फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं भाई, क्या काम है, क्या रीजन है कि इन्हें फ्लैट वर्म्स बोला गया, ये देखो चपटे होते हैं ये, ठीक है ये बात ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं,
चपटे होते हैं, चपटे यानी कि डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, यानी डोर्सल पोर्शन कौन सा होता है, डोर्सल पोर्शन होता है बैक का पोर्शन, ठीक है, और वेंट्रल पोर्शन कौन सा होता है, फ्रंट का पोर्शन, दोनों ही कैसे हैं, देखो फ्लैट की स्पेलिंग ही आपकी मैडम ने क्या कर दिया है, गलत लिख दी है ना, सही कर लेते हैं, F-L-E-T, फ्लैट, ओके, तो ये दोनों ही कैसे फ्लैट है, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को मैं देखूंगी तो ये मुझे बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ठीक है, फ्लैट बॉडी होगी, तो प्लैटीहेलमिंथ्स को इसीलिए हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ऑप्शन देखो, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है क्या, बिल्कुल सही है, लेटरली फ्लैट नहीं होगा, लेटरली मतलब होता है साइड से फ्लैट है क्या, साइड से फ्लैट नहीं होगा, फ्लेम सेल्स की वजह से फ्लैट वर्म तो नहीं बोलेंगे, है ना, फ्लेम सेल है लेकिन फ्लैट वर्म उसकी वजह से नहीं कहा जाता, तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी की वजह से भी फ्लैट वर्म नहीं बोलेंगे, फ्लैट वर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी के साथ। आई होप यू गॉट ऑल दी आंसर्स करेक्टली फॉर दिस डीपीपी। इसी के साथ हमारा ये डीपीपी सोल्यूशन वीडियो जो है ये एंड पर आ गया है, लेकिन आपको सारे सेशंस को रिवाइज करना भूलना नहीं है, रिवाइज कहाँ करेंगे, यूट्यूब पर कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐप पर कर सकते हैं, वहां पर जाके टॉप कोर्सेज कोर्सेज देखिए, नीट का सिलेक्ट करिए टॉप कोर्स और पढ़ाई करिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कूपन नहीं लगेगा, कुछ बाय नहीं करना है, लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब करिए करना है और शेयर भी करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ मैग्नेट ड्रीम्स के थ्रू अब आपके लिए ई बुक्स भी अवेलेबल है और जो एमसीक्यू बुकलेट्स होती हैं वो भी अवेलेबल है, तो मतलब आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो और इन सब चीजों में आपको जो क्वालिटी है वो जरूर अश्योर्ड रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अदर सोशल साइट्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई अच्छे से करते रहना है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।